ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे कूदना पड़ेगा, और मुझे ये भी लगता है कि मैं मरूंगा। ठीक है, कूदते हैं यार। ओके, अरे यार ये मैंने क्या किया? नहीं, रैपिड जा रहा है, रैपिड जा रहा है। चला गया चला गया चला गया, रैपिड चला गया यार। तो मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम खेलेंगे स्काई ब्लॉक का पार्ट 2, और आज के पार्ट में हम क्या करेंगे ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन लास्ट के पार्ट में हमने दो आइलैंड्स देखी थी, जहाँ से हमें जो कुछ मिला था हमने वो उठा लिया था और उनका यूज़ किया था। तो अभी देखते हैं कि हम कौन से आइलैंड में जा सकते हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है ये भी देखना है हमें। तो सामने ना मुझे काफ़ी आइलैंड नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत दूर नज़र आ रहे हैं। तो इस साइड पता नहीं क्या है, इस साइड एक तो ये सैंड का आइलैंड है और दूसरा ये वाटर और सैंड नज़र आ रहा है। तो इस साइड मुझे लगता है नहीं है कि कोई काम की कोई चीज़ होगी हमारी। तो यहाँ पे भी शीप स्पॉन आएगा, तो इसको ले लेते हैं और ये बोन मील को ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ों को ले लेते हैं और चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमें दूसरा कोई आइलैंड नज़र आ जाए। तो हमारे पास कोल और आयरन दोनों ही पड़े हैं, लेकिन लास्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, तो अभी मुझे पता चल गया है। तो सिंपल हम क्या करते हैं कि इनको रखते हैं नीचे, इन ब्लॉक्स को, और इनमें से ना कोल को निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले तो कोल को निकाल लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ इस कोल का मुझे क्या करना है। तो इनसे हम बनाते हैं टॉर्चेस, और मुझे चार कोल चाहिए, तो वो भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो इनमें से मैं क्या करता हूँ कि दो के टॉर्चेस बनाता हूँ, और बाकी के मैं क्या करता हूँ कि चार कोल बनाता हूँ बहुत सारा। तो चार कोल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चाहिए ये प्लैंक्स चाहिए। ठीक है यार, तो इसको रखते हैं यहाँ पे और इसको रखो यहाँ पे। ठीक है, तो इसके सारों के सारों पे हमें मिल जाएंगे चार कोल, तो वो भी सेम कोयले वाला काम करेंगे, यानी कि कोल वाला काम करेंगे। ठीक है, एक लगाओ यहाँ पे, एक लगाओ यहाँ पे, और एक लगाओ यहाँ पे। तो हमारा ये चीज़ें भी बड़े हो जाएंगे, और हमें और भी ज़्यादा चाहिए, क्या कहते हैं, हमें चाहिए और भी ज़्यादा, हमें प्लैंक्स चाहिए। तो वो भी मैं निकाल लेता हूँ, इन ट्रीज़ को भी काट लेता हूँ। लेकिन 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 मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें कौन से आइलैंड में जाना है। ठीक है, उस साइड तो हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ इस साइड बहुत से आइलैंड हैं। तो अगर देखो ना, नीचे दो हैं, एक तो ये चीज़ है और ऊपर वाले ये भी हैं। ठीक है, तो इन दोनों आइलैंड पे हम जाएंगे, एक तीसरा इसमें आएंगे और लास्ट में हम इसमें जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे कुछ विलेजर्स हैं, उनको भी हमें छुड़ाना पड़ेगा इसी एपिसोड में। तो हम इसी एपिसोड में मैं ट्राई करूँगा कि उनको छुड़ा लूँ, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इन प्लैंक्स को भी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से एक काम करो, ये भी तैयार हो गए। ठीक है, तो ये सब कुछ तो तैयार हो गया, अब हमें और भी बना लेते हैं, हमें बहुत सारे टॉर्चेस चाहिए, तो ये भी बनते रहेंगे। ठीक है, और क्या बनाना है हमें, हमें एक वाटर अनलिमिटेड वाटर वो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे एक बकेट चाहिए, ताकि मुझे बहुत सारा पानी चाहिए, क्योंकि मैं दूसरे आइलैंड में जाने का सोच रहा हूँ, तो वहाँ पर जाने के लिए ना मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। वो पानी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तो एक काम करते हैं कि अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से ना छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप का बनाना पड़ेगा। उसके लिए अब हमें दो बकेट ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, एक दो बकेट ऑफ वाटर ये हो गया, और एक हमारे पास आइस पड़ा हुआ है, तो उस आइस को ले लेते हैं। वो आइस कहाँ पे है, वो आइस है यहाँ पे, तो इसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, इसको तोड़ दो। तो अब क्या होगा कि हमारे पास बन जाएगा अनलिमिटेड वाटर। हाँ, अनलिमिटेड वाटर एक तो यहाँ हो गया, अभी बाकी के अनलिमिटेड वाटर का हम यूज़ कर सकते हैं। और मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए, क्योंकि मैं दूसरे आइलैंड में जाने का सोच रहा हूँ, और कौन से आइलैंड में जाने का सोच रहा हूँ वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मेरी दूसरे आइलैंड में जाने की तैयारी फुल हो गई है, तो अब हम चलते हैं दूसरे आइलैंड में, और मुझे लगता है कि मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ तक। तो ठीक है यार, शुरू करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो चलो यार शुरू करते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारा कबल स्टोन चाहिए, तो तीन ब्लॉक्स तक तो मैं ले आया हूँ, तीन यानी 64 64 और 43, ये हो गए हमारे पास, ये ब्लॉक्स मुझे आ गए हैं। ठीक है, मेरे पास आ गए हैं, तो ये मैं लेके आया हूँ। तो उस साइड हम चलेंगे, वहाँ पे हमें जो भी चेस्ट मिला ना, हम उसका यूज़ करेंगे, और देखते हैं उनसे हम क्या कुछ बना सकते हैं। और ये भी हो गया, तो अभी भी काफ़ी दूर है यहाँ से यार, ये करीब है। और अगर तुम देखो ना, वहाँ पे एक आइलैंड नज़र आ रहा है, वहाँ पे एक घर है, तो उसके अंदर ना हमारे विलेजेस होंगे, हमें उनको बचाना पड़ेगा।
और मैं सोच रहा हूँ पहले इस आइलैंड में जाऊँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करीब है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है वो भी देखते हैं। तो ये मैं पहुँच गया और ये जा 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 जा, अरे नहीं, इसने अटैक कर दिया है। ओह नहीं, मैं आउट हो रहा हूँ। नहीं, प्लीज़ नहीं, मेरे पास खाने की भी चीज़ें नहीं है। अरे नहीं, बस कर जा प्लीज़, बस कर जा। ओके, बच गए। और ना यहाँ पे ना दूर चेस्ट थे और मुझे लगता है अगर मैं गिर गया ना मसला हो जाएगा, सारा सामान खो दूंगा मैं। तो मुझे एक और चेस्ट चाहिए जिसमें अपना ये सारा सामान को रख दूँ और फिर हम दूसरे चेस्ट के पास जाएंगे और उसको ढूंढेंगे। तो मैं वापस जा रहा हूँ और मुझे खाने के लिए भी चीज़ चाहिए, मुझे और हमें एक चेस्ट भी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं लेके आता हूँ, फिर वापस आता हूँ और फिर देखते हैं हमें क्या करना है। तो एक टॉर्च यहाँ पे लगा दो, ठीक है ये लग गया। अब एक टॉर्च यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ये भी लग गया। अब हमें क्या करना होगा कि अपने सारे सामान को ना यहाँ पे रखना होगा ताकि अगर हम मर भी गए ना तो हमारा सामान बच जाए, ठीक है। तो ये सारा सामान मैंने रख दिया, लेकिन हमें यहाँ से कुछ खाना भी दे दो, एक मिनट इसको भी रख देते हैं। हम सिंपल क्या करते हैं कि वहाँ से चेस के सामान को लेके आते हैं और उसके बाद ना हम फिर अपना सामान लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे है चेस, काफ़ी दूर है, लेकिन एक काम करो इस टॉर्च को भी रख देते हैं, ये भी ना खोते हम। तो इसको तोड़ो, एक मिनट इसको तोड़ देते हैं। तो ये तोड़ दिया, अब मुझे वहाँ तक पहुँचना है। प्लीज़ मरना मत, प्लीज़। ओके, यहाँ से ही मिल गया मैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोगेट्स हैं। और ये क्या है, वाओ, आयरन चेस प्लेट हमें मिल गया हो और आयरन बोट हमें मिल गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ले लेते हैं। और स्वीट बेरी का मैं क्या करूँगा यार, ठीक है, ये भी काम की चीज़ें हैं। चलो ये ले लेते हैं। और यहाँ से मुझे वापस भी जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ठीक है, जाम। ओके, बाकी चीज़ों को रख के ना मैं कुछ चीज़ें लेके जा रहा हूँ अपने साथ। और मैं काम करता हूँ कि हम आगे की तरफ यानी दूसरे आइलैंड की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये रात हो गई है यार, ठीक है, थोड़ा सा मुझे आगे लेके जाना पड़ेगा इसको और फिर ना हम दूसरे आइलैंड पे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप वहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ काम की मिल जाए हमें। ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया ठीक है। तो अब हमारे, ठीक है, हमारा आयरन भी रेडी हो गया। तो ठीक है, आयरन हमें मिल गया है, लेकिन इसका मैं अभी क्या काम करूँ। एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं, ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, आयरन ये हमारा किसी काम का नहीं, आगे हमारा काम आएगा। तो इसको रख देते हैं फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि हमें वापस जाना पड़ेगा अपने उस जगह पे जहाँ पे हमें आइलैंड पे जाना था, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से ना कुछ खाना भी इकट्ठा कर लेता हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि हमारे जो गाय थे ना, भैंस थे, गाय थे, जो भी बोलो, तो वहाँ पे हमें उनको खाना खिलाना होगा ताकि उनकी पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। और जब और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो हमें उनको मार्केट हमें बहुत ज़्यादा मीट मिल जाएगा, गोश्त मिल जाएगा। तो चलो आ जाओ यार, ये लो, चलो बच्चा दो। एक ही बच्चा है हमारे पास और ग्रास भी नहीं है यार, हमें और ग्रास भी किसी तरीके से हाथ करना होगा। तो एक काम करता हूँ कि इनको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत कम है पहले से। तो हम चलते हैं आगे और दूसरे आइलैंड पे जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हमें क्या मिलता है। बस पहुँचने वाला हूँ मैं, फिर उसके बाद हम उसे दूसरे आइलैंड पे जाएंगे। लेकिन हमें एक और भी चीज़ चाहिए होगी, वो है वाटर बकेट चाहिए होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नीचे कूद गया ना तो पक्का मैं मरूँगा। तो ठीक है, यहाँ से अभी कूद नहीं सकते, थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं नीचे कूदूंगा ना, मैं बकेट ऑफ वाटर से पानी को नीचे गिरा दूंगा और उसके ऊपर गिरूंगा तो मैं, हो सकता है मैं बच जाऊं। तो ये एक्सपेरिमेंट काम करता है कि नहीं करता, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हो सकता है ये काम कर जाए क्योंकि मैंने YouTube में वीडियोस देखी थी। तो क्या पता काम कर जाए। तो वो भी देखते हैं कि अभी क्या करना है। ये जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है ना, उनको रख देते हैं ताकि अगर मैं मर भी गया तो हम अपने सामान को खोएंगे नहीं, ठीक है। और बकेट ऑफ वाटर मैंने ले लिया है,
और कबलस्टोन को हमें कबलस्टोन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें दूसरे आइलैंड पे भी जाना पड़ेगा, नीचे उतर के हमें दूसरा आइलैंड है जो करीब, वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे कूदना पड़ेगा और मुझे ये भी लगता है कि मैं मरूँगा। ठीक है, कूदते हैं यार। ओके, अरे यार ये मैंने क्या किया, नहीं 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 नहीं, रैपिड जा रहा है, चला गया रैपिड चला गया यार ये। इसके साथ में पता नहीं खाना, इसके साथ हमें खाना मिल सकता था यार। हमारे पास रैपिड का एक स्पॉन एग भी पड़ा यार, ओ शीप स्पॉन एग भी पड़ा यहाँ पे, एक ऊपर था तो उनसे हम पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। और फ्लिंट मिल गया हमें, बो मिल गया, इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि हम बो के लिए एरो भी बना सकते हैं अगर हमें मुर्गियाँ मिल जाए। अरे हाँ, हैन के लिए, मुर्गियों के लिए, चिकन के लिए भी हमारे पास एग्स हैं तो उनसे भी हम चिकन निकाल सकते हैं। वाओ, अभी तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि हमें जाना होगा दूसरे आइलैंड में और वहाँ पे भी देखेंगे क्या मिलता है, और यहाँ से मुझे काफ़ी प्लैंक्स भी चाहिए और वहाँ तक भी मुझे पहुँचना पड़ेगा। चलो पहले वहाँ तक पहुँचते हैं फिर देखते हैं कि हमें क्या करना है। फाइनली जहाँ तक तो पहुँच गए, ठीक है, अब मैं कूद सकता हूँ। वही बकेट ऑफ वाटर वाला काम करते हैं कि पता नहीं क्या होगा यार, मैं पहले क्यों फेंकता हूँ। तो यार क्या चक्कर चल रहा है, ये काम ही नहीं करता हमारा यार। तो ठीक है, मुझे लगता है अपने गेम को भी एंड करना चाहिए और देखते हैं इस चेस्ट में। वाओ, इसमें हमें आयरन और एक डायमंड की तलवार मिली है और कोल मिला है। वाओ यार, समझ आई मुझे, सारे गेम की समझ में आ गई है हमें। देखो, हमें आयरन का सूट मिला और हमें डायमंड की तलवार मिली, हमें काफ़ी ज़्यादा आयरन मिला और हमें दो शीप मिल गई है। तो इसका मतलब पता है कि इसका मतलब ये है कि हम बेड भी बना सकते हैं और हम और क्या कुछ कर सकते हैं। हम आयरन का सूट पहन के, डायमंड की तलवार लेके और बो और एरो बना के हम दुश्मन पे वार कर सकते हैं। तो मुझे अपने गेम को भी यहीं एंड करना चाहिए। हम अगले पार्ट में ना हम विलेजेस को भी बचाएंगे तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, लंबा प्रोसेस है, तो हम वो करेंगे अगले पार्ट में और दूसरे आइलैंड पे भी जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही यार, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल आई एम खलील को और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही, बाय।